गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है और आपके पास फेशियल का टाइम नहीं है, यानी आपको इंस्टेंट ग्लो भी चाहिए बट आपके पास फेशियल का टाइम नहीं है, तो आप ऐसा क्या करें जिससे आपको इंस्टेंट ग्लो मिल सके, आपकी स्किन एकदम रेडियंट लगे और आपका फेशियल का टाइम भी बचे। तो उसके लिए मेरे पास एक रेमेडी है। तो उस रेमेडी में हमें कुछ नहीं करना, हमें लेना है उबले हुए चावल का पेस्ट लेना है। हमें उबले हुए चावल के पेस्ट में हमें ऐड करनी है थोड़ी सी शुगर और उसमें ऐड करना है थोड़ा सा हनी। उन तीनों को हमें मिलाना है और मिला के अपने चेहरे पर स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद उसे हमें 20 मिनट तक छोड़ना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। ये प्रोसीजर करने के बाद हमें नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाना है और उसके बाद अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें मेकअप अप्लाई करना है, तो हमारी स्किन बहुत रेडियंट और ग्लोइंग लगेगी, तब हमें किसी भी तरह के फेशियल की कोई नीड नहीं होगी। तो आप ये वाली रेमेडी ट्राई करें। अब मैं आपको इसे अपने फेस पर लगाकर बताती हूँ। इस तरह से हमें स्क्रब करना है हमारे फेस को अच्छे से। राइस क्या करता है, राइस और शुगर दोनों ही एक अच्छे एक्सफोलिएटर है जो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं, और हनी क्या करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये तीनों ही इन्ग्रीडियंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए हमें अच्छे से इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद 20 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है। एज अ पैक ये वर्क भी करेगा और एज अ एक्सफोलिएटर ये वर्क करेगा, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से हम इसे क्लीन कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद अब हम इसे छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से क्लीन करेंगे। ये अप्लाई करने के बाद आपको किसी भी तरह के स्क्रब की, किसी भी तरह के पैक की नीड नहीं होगी। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। बॉइल्ड राइस का जो पानी बचता है उसे आप एज अ टोनर भी ले सकते हैं काम में, उसे फेंकना नहीं है, आप एक बॉटल में भर लीजिए और उसे एक टोनर की तरह काम में ले सकते हैं। अब आप गाइस मेरा फेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लियर लग रहा है, मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ। मेरे फेस में बिल्कुल डार्कनेस नहीं लग रही है। तो आप भी ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।